नमस्कार दोस्तों, मेहूराज आपके साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का जो नया ट्यूट देखने को मिला है उसी के बारे में आपको फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। दोस्तों बात करेंगे हम जो सफाई कर्मचारी भर्ती थी अपनी जो निकाली गई थी 13,000 कुछ पोस्टों में निकाली गई थी जयपुर के अंदर ग्रेटर के अंदर। दोस्तों अभी तक उसका कोई नया अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। DLBK के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई थी बट इसका कोई वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं देखा गया। दोस्तों जो नया ट्यूट देखने को मिलेगा नंदकिशोर ढिंडोरे के द्वारा आपको नया ट्यूट देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे पहले वैकेंसी वैकेंसी को आपके बारे में निकाला गया था कि जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके बाद में आपके आचार संहिता से पहले इसके फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए थे, वापस फिर से फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए थे बट आचार संहिता के अंदर होने के कारण इस फॉर्म को रद्द कर दिया गया, फिर से बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों उसके बाद में अभी तक कोई इसका नया अपडेट नहीं आया ना कोई ट्यूट मिला इसका। तो दोस्तों आप भी चेक कर सकते हो DLBK की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि इस पर कोई अपडेट है या नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो ट्यूट मिला था ट्यूट के बारे में हम बताते हैं कि जो नंदकिशोर ढिंडोरिया जी है अपने अध्यक्ष से सफाई कर्मचारी भर्ती के अध्यक्ष है जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर बैठते हैं तो वहाँ से इनका ऑफिस है, वहीं से अपने ट्वीट मिला है कि इन्होंने बताया कि आगे से ऑर्डर मांगे हैं कि 7 दिन के अंदर बताया कि इन्होंने 7 दिन के अंदर ये वैकेंसी को जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो जो भी सफाई कर्मचारी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति है उनके द्वारा ये हड़ताल करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो 7 दिन के अंदर वैकेंसी को निकालने के लिए इन्होंने अनुमति मांगी है उसी अनुसार दोस्तों इन्होंने बताया गया कि नहीं इसको निकाला जाता है तो इसके कारण इसको उन्होंने इनके द्वारा ये हड़ताल पर जाने वाला है। तो थोड़ा 7 दिन का वेट करते हैं, 7 दिन के बाद में क्या ट्वीट आने वाला है इनका हम भी देखने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको सारी ट्वीट आपको देखने को मिलेगी, नंदकिशोर ढिंडोरिया के द्वारा जो भी नया ट्वीट रहेगा वो मैं आपको देखने को दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद जय भारत।